कोटपुतली में नव वर्ष में इंदौरिया टाइम्स के द्वारा क्षेत्रीय डेवलपमेंट के क्रम में अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के अंतर्गत एक और बड़े अतिक्रमण की तैयारी राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल से काशीपुरम को दिए जाने वाले आम रास्ते की अब है बारी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल पीएमओ व डॉक्टर के एल बीना सहित पार्किंग ठेकेदार और आमजन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कहाँ हैं चार साहब? दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कोटपुतली का जिस तरह से दौर चल रहा है, अतिक्रमण के दौर में, अव्यवस्थाओं के दौर में एक और अध्याय जुड़ जाता है और इस बार बारी है भगवान दास मोरिजावाला हॉस्पिटल की। जी हाँ, दो राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली और इस रोड के ऊपर सबसे बड़ा हॉस्पिटल भगवान दास मोरिजावाला हॉस्पिटल, जिसे हाल ही बजट सत्र में जिला अस्पताल का दर्जा दिया गया है, काशीपुरम कॉलोनी को आम रास्ता दिए जाने की पैरवी की गई तो लोगों को परेशानी शुरू होना स्वाभाविक सी बात थी। स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी की अध्यक्षता में पीएमओ डॉक्टर के एल मीना की मौजूदगी में तमाम एमआरएस सदस्यों के बीच मुद्दों पर चर्चा की गई और उनमें से जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो मुद्दा था काशीपुरम कॉलोनी के लोगों को बीडीएम हॉस्पिटल से नेशनल हाईवे पे आने के लिए आम रास्ता अलॉट किया जाना। ये रास्ता आज से पहले कभी डिमांड नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण के अंतर्गत स्थानीय विधायक द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अंतर्गत उन्होंने एमआरएस की मीटिंग में इस मुद्दे को न केवल डिस्कस किया बल्कि यथाशीघ्र कॉलोनी को ये रास्ता दे देने की उन्होंने पैरवी भी की। जब इंदौरिया टाइम्स की टीम ने हॉस्पिटल में विजिट की तो आखिर क्या कहते हैं पीएमओ डॉक्टर के एल मीना, सुनते हैं आप ही की बात आप ही के साथ डॉक्टर के एल मीना। एमआरएस की मीटिंग में करीब करीब सारे मेंबर थे, जिसमें चेयरमैन स्वयं थे, हमारे जॉइंट डायरेक्टर, यहाँ के हमारे लोकल विधायक एंड मंत्री महोदय राजेंद्र जी यादव और सदस्य सचिव, हमारे जो भी मेंबर होते हैं सारे एलटी, नर्सिंग अधीक्षक, सीनियर डॉक्टर, डिप्टी कंट्रोलर और डब्ल्यूओ, ये सारे मेंबर सारे मौजूद थे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो आम जन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है वो बीडीएम हॉस्पिटल से काशीपुरम कॉलोनी के लिए कोई रास्ता खोले जाने की बात भी आई है, ये क्या मैटर? चिकित्सालय में इस संबंध में कि पीछे की तरफ अस्पताल में रास्ता खोला जाए, इसके कई उनकी कमेटियों के द्वारा, पहले भी एक कमेटी का मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसके द्वारा अभी एक मेमोरेंडम दिया गया था, 5-7 आदमी आए थे कि हमारे इधर रास्ता खोला जाए। हमने कहा भाई हमारे हाथ में नहीं है, तो कमेटी में निर्णय होगा, राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी तो हम उसका कर देंगे, नहीं तो हम तो कर नहीं सकते। तो इसमें इस तरह का निर्णय तो इस बार पॉइंट रखा था कि इसका क्या किया जाए, तो उसमें कमेटी ने सहमति जताई है कि पीछे घूम के आता है आदमी, बाहर रात बारात में आता है, इधर से कभी भी रास्ता ब्लॉक हो जाए तो प्रॉब्लम आती है,
तो पीछे के कोनो निवासी और डाबला रोड से आने वाले इमरजेंसी पेशेंट के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है, तो उनको सुविधा हो जाएगी ताकि वो कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से आकर के सीधे इधर हॉस्पिटल जाए। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया है कि कभी भी अगर हॉस्पिटल में अनबनी हो जाती है, आगजनी हो जाए, कोई गुड़दन बच जाए, सामने का रास्ता जाम हो जाए, कोई बात हो जाए, तो एग्जिट होने के लिए एक रास्ता और होना चाहिए जिसके लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि जहां तक कमेटी ने इसमें निर्णय किया है, ये सोच के किया है कि ज़्यादातर अस्पतालों में एक दो तीन गेट जहां पर सुविधा होती है पब्लिक की सुविधा के हिसाब से गेट खोले जा सकते हैं और खुले हुए हैं कई जिला चिकित्सालयों में, तो यहां भी खोला जा सकता है, इसका निर्णय लिया। जी हाँ, जब हम डॉक्टर केएल मीना से मिलकर के बाहर निकलते हैं तो वहां की एक बड़ी व्यवस्था जिससे यह हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग मिलता है वो है पार्किंग। क्या कहते हैं, पार्किंग से जुड़े हुए वो ठेकेदार जिन्हें आने वाले समय में किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जरा बात करते हैं ठेकेदार की कहानी उसी की जुबानी। यदि ये निर्णय होता है तो क्या होगी आमजन को परेशानी। आपका परिचय? मैं रतिराम ठेकेदार, बीडीएम चिकित्सालय हॉस्पिटल। रतिराम जी, ये अभी पता लगा है कि हमारे इसकी मीटिंग के अंतर्गत काशीपुरम जो कॉलोनी है हॉस्पिटल के पीछे वाली, उसे एक आम रास्ता बीडीएम हॉस्पिटल से दे दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन जनहित में है? सही नहीं है सर। क्या है कि अगर काशीपुरम में इधर से रास्ता निकलता है, तीन चार स्कूलें हैं उधर से आम रास्ता हो जाएगा। पिछले दिनों कुछ बड़ी समस्याएं थी, बाहर भी इन समस्याओं को हल किया था, जैसे पार्क में बाहर जाम लग जाता था, अभी नए जाम की समस्या होने लग जाएगी। क्या है कि यहाँ जाम लगेगा, अब बड़ी हमारे को अभी बड़ी दिक्कत आ रही है। जो पार्किंग स्टैंड होगा इसमें आम आदमी ये कहेगा मैं तो उधर जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, तो हॉस्पिटल के आगे बड़ा जाम होगा और मरीजों को, इमरजेंसी जो मरीज आते हैं उनको बड़ी समस्याएं होंगी और हमारे को बड़ी समस्या होंगी रहेगी। मेरी पार्किंग की स्थिति तो ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन जाम की स्थिति ज़्यादा होगी सर। क्यों साहब को भी कहूँगा और डॉक्टरों को भी कहूँगा और मैं मंत्री जी को बोलूँगा कि साहब ये बहुत गलत किया है कि यहाँ चोर उत्संगों का ज़्यादा और हवाला हो जाएगा। अब जैसे आज भी एक परस एक चोर ने एक जने के कोई मरीज के साथ में आया था, इमरजेंसी मरीज था, उसके एक्सीडेंट था, उसके साथ में उसके पर्स को निकालने लग गए, फिर उसको देखा गया कि ये किधर से गया, वो फिर भी वो उस डंडे से ही कूद के गया है, नहीं कि इधर से आया है, फिर उस डंडे से कूद के गया है। उनमें से एक दो चोर थे, दोनों चोरों में से एक चोर को पकड़ भी लिया, पुलिस आज ही बंद की है, आज की तारीख में ही अभी भी BDM चौकी के अंदर बैठा रखा है उसको। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो लोगों की बात मानी जाएगी, वे लोग जो सालों से नेशनल हाईवे से लगती हुई सर्विस लाइन पर मौजूद है, जो हर रोज जाम का हिस्सा बनते हुए लोगों को देखते हैं, कई बार एम्बुलेंस की गाड़ी को सायरन पे सायरन मारने के बाद भी जब जगह नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में काशीपुरम को BDM हॉस्पिटल से रास्ता मिल जाने के बाद क्या हालात होने वाले हैं, चलिए सुनते हैं उन्हीं की बात उन्हीं के साथ। डॉक्टर KM गुप्ता, कमला मेमोरियल डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर, कोटपुतली। 1973 में स्टार्ट किया था यहाँ पर, इस जगह पे 1990 में नेशनल हाईवे नंबर 8 BDM हॉस्पिटल के पास में। अभी BDM हॉस्पिटल में 30 तारीख को MRS की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए, उसमें से एक निर्णय ये भी शामिल है कि हॉस्पिटल के पीछे लगती हुई काशीपुरम कॉलोनी को एक रास्ता BDM हॉस्पिटल में से दिया जाना है, यानी कि आम रास्ता दिए जाने की कवायद स्थानीय विधायक राज्य मंत्री की मौजूदगी में की गई। तो क्या BDM हॉस्पिटल का ये निर्णय जनहित में है या केवल राजनीतिक तुष्टिकरण है? जनहित में तो इसलिए नहीं है कि ये तो BDM हॉस्पिटल को पीछे रास्ता दे दिया जाता है काशीपुरम के साइड से, तो दो गेट तो ऑलरेडी सामने से हैं। इधर कॉलेज जो है गर्ल्स कॉलेज, उसकी बाउंड्री वॉल बहुत छोटी, उसको ऊंचा करवाया जाएगा तो अस्पताल को और सुरक्षित करने के लिए हम पीछे रास्ता दे दें, ये तो अस्पताल बिल्कुल चारों तरफ चौपट हो जाएगा, आवारा पशुओं का, कुत्तों का, स्वानों का आना बिल्कुल आम हो जाएगा, और उसी वजह से नवजात शिशु जो है वो और ज़्यादा नोचेंगे, नवजात शिशुओं को कुत्ते। पहले से ही ये घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं कि भाई यहाँ पर नवजात शिशुओं को जो है मतलब कुत्ते नोचते हैं, तो ये तो और रास्ता पीछे दिए जाना कोई मुझे तो समझदारी लगती नहीं है, क्योंकि अस्पताल 1972 में स्टार्ट हुआ है और ये काशीपुरम के पिछले 25-30 साल से कॉलोनी बसी हुई है, आज की नई बसी हुई है, तो आज उसको कहाँ आवश्यकता आ गई इधर से रास्ता देने की। दूसरी बात, ये जो गर्ल्स कॉलेज बिल्कुल इसके अटैच्ड है, उसमें भी पीछे गेट देने की बात थी, उसको ही नहीं दिया गया उस समय राज्य सरकार के द्वारा, तो अब ये नए नए गेट खोल के अस्पताल को चारों तरफ से इसको असुरक्षित क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये तो राजनीतिक कारण ही लगता है, क्योंकि ये
तो मैं नहीं समझता कि किसी भी आगे अस्पताल की सुरक्षा की दृष्टि से उचित है, बिल्कुल अनुचित है। हॉस्पिटल की आय में, हॉस्पिटल के विकास में स्थानीय जो हॉस्पिटल की पार्किंग है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, 11 लाख 10 लाख 15 लाख तक के ठेके जाते हैं, ऐसे में क्या पार्किंग प्रभावित नहीं होगी जब आम रास्ता बन जाएगा? नहीं, पार्किंग प्रभावित होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उधर से तो ये डॉक्टर्स के जो रेजिडेंस बने हुए हैं वो भी जो है मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे डॉक्टरों की फैमिली वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, उधर से रास्ता दे दिया तो। देखा जो दूसरा गेट है उसको ठीक से करके उधर से रास्ता दिया जा सकता है, दूसरा उसको ठीक किया जा सकता है, वो रास्ता बंद ही रहता है करीब करीब, उस गेट को खोल दिया जाना चाहिए। न केवल चिकित्सक असुरक्षित हो जाएंगे, पूरा परिसर असुरक्षित हो जाएगा, आय के साधन बंद हो जाएंगे, और यहाँ तक कि हाईवे से लगती हुई सर्विस लाइन भी प्रभावित होगी। नहीं, सर्विस लाइन तो ऑलरेडी प्रभावित हो रही है, ये गर्ल्स कॉलेज के सामने जितनी दुकानें टेम्परेरी लगी हुई हैं, कोई टायर वाले की, कोई पंक्चर वाले की, कोई फ्रूट वाले की, कोई ठेलियाँ लगने लग गई, ये तो सारा अस्पताल में आने जाने वाला जो आदमी इधर से आता है। पहले जब स्ट्राइक हुई थी तब बात ये थी कि ये सर्विस लाइन के साथ में अस्पताल आने जाने के लोकल पब्लिक के लिए एक रास्ता बना दिया जाएगा जो कि अस्पताल के और कॉलेज के डंडे से पास से रहेगा जी, अंडरपास देने के बजाय, ताकि वहाँ के लोकल के जो है रॉन्ग साइड से व्हीकल्स आ जा सकें। अब उस जगह को ब्लॉक कर दिया, अतिक्रमण उस पर हो गया, उस पर घास आगे लगा करके जो है थोड़ी तरह की कर दी, तो वो तो रास्ता तो ख़त्म हो गया, और उसको और छोटा कर हो गया बड़ा करने के बजाय, तो ये तो कोई सुविधा तो नहीं मिली ना पब्लिक को, आम पब्लिक को, कोलपुत्री की पब्लिक को सुविधा नहीं है, और काशीपुरम की सुविधा के लिए गेट खोला जाए ये तो उचित नहीं समझता। राजनीति का इशारा नहीं होना चाहिए, और ये सामने वाला गेट ठीक करके इसके पास से अतिक्रमण हटा करके इस रास्ते को छोटा किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नवल की स्वच्छता मेडिकल सेंटर से हूँ। नवल जी, आप BDM हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पे सिंह द्वार पर बैठे हैं, और वर्षों से आपको पता है कि यहाँ जाम की क्या पोजीशन है और किस तरह से आवाजाही रहती है, एम्बुलेंस कितनी देर यहाँ खड़ी रहती है। ऐसे में MRS के द्वारा काशीपुरम कॉलोनी को राजकीय BDM हॉस्पिटल से रास्ता दिया जाना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, रास्ता नहीं देना चाहिए, क्योंकि इधर से जो भी आवागमन बढ़ेगा उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा अराजकता फैलेगी, नॉन सेंस के जो लोग हैं उनको खुली छूट मिल जाएगी इधर उधर आने की, जाने की, पकड़ने की, और गाय पशु आवारा कुत्ते आवारा लोग आवारा जो है आवारा कुत्ते ज़्यादा बढ़े हैं, अपनी पार्किंग को परेशानी रहेगी, पार्किंग वाला उधर से आने वाले को कैसे रोक सकेगा, जब नेशनल हाईवे से इधर से ट्रक भी जाएंगे, ट्रैक्टर भी जाएंगे, बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी जो भी है सारे साधन इधर से रास्ता ही बन जाएगा, तो उधर से निकलेंगे भाई पास करेंगे तो उसे पार्किंग वाला कैसे रोक सकता है। अभी जो मंत्री जी हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि भाई ये हॉस्पिटल जो शांत एरिया है इसमें पोल्यूशन ध्वनि का भी बढ़ेगा, वैसे भी न्यूसेंस का भी बढ़ेगा, इसलिए इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। मैं अमरनाथ पंथल सीनियर सिटीजन। आप एक सीनियर सिटीजन हैं और BDM हॉस्पिटल के बनने से लेकर के और आज तक के साक्षी भी रहे हैं, आप ये बताइए अभी जो ये रास्ता खोला जा रहा है MRS की मीटिंग में जो निर्णय लिया है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं खोलना चाहिए बिल्कुल, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी भी लूज हो जाएगी, और वैसे भी आवागमन बढ़ जाएगा उधर से कोई चोरी करके बढ़ जाएंगे ज़्यादातर, और कोई को नहीं फायदा नहीं देगा। नहीं, कॉलोनी को रास्ता देने से नेशनल हाईवे की जो सर्विस लाइन है ये किस तरह से प्रभावित होगी? और तो ही रहा, जब कभी इधर से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। विधायक महोदय की प्रेजेंस में जो लिया गया निर्णय है वो गलत है, गलत है। आपको लगता है कि मंत्री जी को एक बार विचार करना चाहिए? हाँ बिल्कुल विचार करना चाहिए उनको, ये बहुत गलत है, चुनावी बातें तो ऐसी करते हैं, क्या क्या की थी उन्होंने पूरी सुन के रही है। राकेश शर्मा नाम है सर, लैब टेक्नीशियन में काम करता हूँ, राजस्थान लेबोरेटरी है। कहाँ है आपकी लेबोरेटरी? 7 नंबर दुकान है, नियर BDM हॉस्पिटल के पास। सर सही तो क्या है, ये राजनीति प्रेरित है ये फैसले, जनित में का नाम देख करके उसको राजनीति का लाभ देना जा रहा है, प्लस के अंदर उधर से असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ जाएगा, BDM अस्पताल की सुरक्षा के ऊपर आघात है ये एक प्रकार का। रही बात MRS के अंदर जो आय हो रही है उस आय में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि MRS का जो ठेका छूटता है पार्किंग का, वो ठेका दो दो दिन के दिन ये किस संचालन कैसे कर पाएगा आदमी। दूसरी बात है एम्बुलेंसों का आना जाना, मरीजों का आना जाना वो भी प्रभावित होगा, इसलिए हमारे यहाँ के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय पहले ही वो कहते हैं प्रोग्राम फाइनल की भाई आप लोगों की 10 रास्ता खुलवाना है,
उसके लिए जोर शोर से मीटिंग भी चल रही थी इनकी, पहले से चल रहा था और काफ़ी दिन पहले ये भी सुनने में आया था पीएमओ को भी अदल बदल करेंगे जब जाके रास्ता खुलेगा। हरिराम कुमार, एक्स रे करते हैं। कहाँ है आपका प्रतिष्ठान? यही नेशनल हाईवे पे। बिल्कुल गलत है साहब, प्रभाव ये पड़ेगा कि उस साइड से बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, आमने आम रास्ता बना देंगे उसको। बीडीएम की पार्किंग कितनी प्रभावित होगी? सारी प्रभावित होगी पूरी तरह से। कैसे? उस साइड में पार्किंग है ही नहीं खड़े करने के लिए साधन, कंजेस्टेड उस साइड में, थोड़े चक्कर ज़्यादा होंगे उस साइड में। कुछ गलती निर्णय लिया है और उस साइड से जो रास्ता देंगे तो आम रास्ता हो जाएगा, जिसमें आम आदमी को परेशानी होगी, मरीजों को परेशानी होगी। पार्किंग उस साइड में कोई सुविधा नहीं है, चोरों चक्के उस साइड से आएंगे जो मर्जी उठा के ले जाएंगे, ये पत्थरों का ज़्यादा हो जाएगा। जनता का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के जो रास्ता निकाल रहे हैं बिल्कुल गलत निकाल रहे हैं। जिम्मेदार मंत्री हैं, स्थानीय नेता हैं, एमआरएस की मीटिंग वाले जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया जो गलत निर्णय लिया है।